करेगा, किसमें है हावी? बिल्कुल होगा, सिर्फ राहुल गांधी और मोदी हावी नहीं, देश को रीजनल पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं। हमारे पास जितने प्राइम मिनिस्टर अब तक बने उसमें से 7 तो चीफ मिनिस्टर थे। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि इसमें हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं, तो रीजनल पार्टी के लीडर हैं, क्या सिर्फ मोदी राहुल की शादी है? क्या गॉड गिवन राइट है इनको भाई यही जोन चलने की? नहीं, इस मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क की काबिलियत है, इसमें कई काबिल लोग हैं, इनसे बेहतर साबित होंगे और इनसे बेहतर होंगे। आपकी नज़र में सबसे काबिल कौन है? मायावती, अखिलेश, ममता, मैं नाम गिना दे रहा हूँ, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू, कौन दिखता है आपको, कौन वहाँ पर बैठ सकता है? मैं किसी का भी नाम लेना, मैं समझता हूँ कि उन तमाम लीडरों के से साथ मिलना, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आए, ताकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, हिंदुस्तान के इश्यूज और डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सके, और सही तरीके से जो गरीब और यूथ है उनके मसाइल को हल कर सके। आपको हमारे अगले दिन के हेडलाइन से बड़ी परेशानी है और 6 बजे की बहस से, तो आज के आपके इस भाषण से आप ही बता दीजिए कि क्या हेडलाइन निकलेगी, खाए-खाए वाली या फिर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स? मैं कल 6 बजे अंडर ऑन प्रेशर पर शो देखूंगा, और अगर उसमें आ गया तो मैं साबित हो गया, मैं कामयाब, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। उसके बाद 9 बजे जो 9 PM नेशनली उसको पकड़ता हूँ, वो तो आप उसे चला लेंगे, हम बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे लिए चलता है, कोई बात नहीं। देखिए जितना आप हमको बोलेंगे ना, हमको उतना फायदा है, आप बोलते रहिए। यही नब्ज पकड़िए, जितना हमारे खिलाफ बोलो उतना हमें। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि हमारी चमड़ी जो है वो इतनी सख्त हो चुकी है कि अब कुछ नहीं टिकता इसके ऊपर, पानी भी नहीं टिकता, सब बह जाता है, इसलिए हम लोग वो आदत पड़ गई। हम तो बताया बोलिए बोलिए, कोई फर्क नहीं, इतना बोलना है बोलिए, मोदी आके बोले, अमित शाह आके बोले, राहुल गांधी बोले, सब लोग चंद्रबाबू नायडू बोले, कुछ नहीं हुआ, बोलते रहिए हम तो। लेकिन एक आप ही बचे हैं, अब आपको पता है कि तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस देश में मुसलमानों को टिकट देने से पीछे भाग रही हैं। बिल्कुल, एक खास किस्म की राजनीति और एक विचारधारा देश में चल पड़ी है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, क्या ये अच्छी बात है? आप भी तो हवा देते हैं ना सर उसको। नहीं सुनिए मैडम, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 MP कराए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप पूछिए ना इन लोगों से, क्यों नहीं बीजेपी में जब 280 MP जीत कर आए, एक भी लोकसभा मुस्लिम MP नहीं, क्यों नहीं जीत पा रहे? गुजरात जहाँ से मिस्टर मोदी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता सके, कांग्रेस नहीं जीता सकी। यूपी जितना बड़ा स्टेट है, पहली मरतबा वहाँ पर 19% पॉपुलेशन 80 MP नहीं, कौन जिम्मेदार है इसका? यही तो हमारा जवाब है। एक शख्स जो खाई बना रहा है, और खाई बनाने वाले में आपका नाम क्यों ना डाला जाए? अरे हम तो गले में ही गिरे हुए हैं, हम कहाँ आसमान पे दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, हम कौन से महलों में रह रहे हैं, हम तो भाई अपने छोटी सी कुटिया में रहकर मुकाबला कर रहे हैं। हम तो उनसे पूछना चाह रहे हैं जो हमारी लाशों पर, जो हमारे ख्वाबों पर अपना महल तामीर कर रहे हैं, कि भाई साहब हमारा भी कोई हिस्सा होगा नहीं होगा, या सिर्फ हमको अफ्तार पार्टी या ख्वाजा अजमेरी के उस तक, या फिर आपको खजूर खिलाने तक, या फिर आपको सिर्फ ठहर कर शीर कोरमा खिलाने तक महदूद हो गए हम लोग, क्या है बताइए? ना तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिप्रेजेंटेशन, ना नौकरियों में, हाँ हम एक जगह बराबर हैं, आपको खुशी होगी जानकर, कहाँ मालूम, हिंदुस्तान के जेलों में हम बराबर हैं, 14% आबादी तो 19% हम जेल में, माशाल्लाह है। इनको मुबारकबाद देना चाहिए लोगों को कि कम से कम एक जगह तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, और वो इनकी इन्हीं की कारस्तानी की वजह से, आप सोच लीजिए। यही तो हमारा झगड़ा है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे मुल्क में नेशनल पार्टी दो नहीं है, एक ही है, BJP है, दूसरा 1.5 BJP, यही है, इन्हीं लोगों की वजह से आज हमको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। एक सेंसिटिव सवाल पूछूं? नहीं नहीं मैडम, आप जब से क्या पूछ रहे हैं? पीछे किसी की फोटो लगी हुई है, हाँ, पर वो दिखते नहीं है मीडिया में, वो भी मोदी जी जैसे ही हो गए? नहीं, उनकी, या आप अपने भाई को नहीं, मीडिया नहीं, से बचा ले जाते? नहीं, नहीं, उनकी काबिलियत ये है कि नहीं दिखते हुए भी आप उनको दिखाते हैं। वो
9000 गरीब बच्चे बच्चियों को जिसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल है उनको फ्री में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो उनकी काबिलियत थी। पर आप तो डिसेंट और इन चीजों से अग्री करते हैं तो फिर अभी उनको भी लाइए हमारे साथ, हम भी उनसे पूछे चार सवाल। अरे कल जलसे में थे आप, जल्दी आ जाते तो उनसे मुलाकात करा। अब देखिए मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने कहा कि इंटरव्यू बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं, हर किस नहीं हूँ, नॉन बैलेंस रखनी हूँ मैं, दाढ़ी वाला आदमी कोई बैलेंस हो सकता है? जरूर कल उनका बहुत बड़ा भाषण हुआ और मेरे से ज्यादा लोग सुनने जाते हैं उनके, मुझे शिकायत इस बात की है कि लोग आज भी मुझे अपने वालिद के नाम से जानते हैं जो मुझे तकलीफ होती है, दूसरा बोलते हैं कि इनका भाई है, तो है वो उनमें काबिलियत है मगर उनका एक रूप है जिसको आपको देखना पड़ेगा, वो रूप बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति को लेकर क्या सोच है, इस आखिरी सवाल के साथ इस कैंपेन ट्रेल का एंड करें। जो आप यहाँ से फर्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सेकेंड फेज से शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर, खबरस्तान, शमशान, दिवाली, आप देखेंगे फर्स्ट फेज से प्राइम मिनिस्टर थोड़ा थोड़ा वार्म अप होंगे, उसके बाद सेकेंड फेज से लेकर रमजान आने आने तक आप देखेंगे गर्मा देंगे प्रभाव, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम जनता इनके इन भाषणों की वजह से मुतासर नहीं होगी बल्कि इनको परखेगी कि आपने हमसे जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो महंगाई को ख़त्म करने का वादा किया था, GST के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर BJP ने बहुत नुकसान पहुंचाया, ये देश की जनता तय करेगी। आखिरी सवाल पूछने से रोक नहीं पा रहे? नहीं नहीं, पूछिए पूछिए, दिल खोल के पूछिए। आप यहाँ से जाएंगे आप कोई टिश्नगी मत रखिए, हर चीज पूछ के जाइए। भाषणी है ना जो असदुद्दीन ओवैसी को असदुद्दीन ओवैसी बनाता है? नहीं, ये आवाम की दुआएं, आवाम के का साथ, मेरे पार्टी के लोगों का साथ मुझे बनाते हैं, अल्लाह का करम। मैं आज अंदर अंदर आपको भी पता है सर, विकास करके इस देश में बहुत ज्यादा लोग जीत नहीं पाते हैं। गलत बात, जितने तेलंगाना में लोकसभा के MPs हैं सबसे ज्यादा मैंने अपने MP लाइट फंड को इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा मैंने पूरे तेलंगाना में जितने डेवलपमेंट के काम हुए, RTI की एप्लीकेशन डाली, मैं अपोनेंट्स को चैलेंज कर रहा हूँ डालो RTI की एप्लीकेशन, देख लो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमने किया, और भी काम होना बाकी हम मानते हैं मगर डेवलपमेंट भी हमारा मुद्दा है। आप इस जनता को ये मत समझिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वोट डालेंगे, इनको डेवलपमेंट भी होना, इनको कोई साथ देने वाला भी होना, इनकी आंखों पोंछने वाला होना, इनकी खुशी में शामिल रहने वाला होना, इनको ऐसा आदमी चाहिए जो एक फ़ोन करे तो उनके पास दौड़ कर आए, वो हमारी पार्टी घर पर आ रही है, इसीलिए हम जीतते हैं। ये भाषण वाषण की वजह से नहीं जीतते, BJP एक मरतबा जीत गई भाषण से, दूसरी मरतबा भाषण उनका वाटरलू होगा। चलिए इसी के साथ इस कैंपेन ट्रेल का अंत करते हैं। टोपी और दाढ़ी के इर्द गिर्द डूबता हुआ एक भाषण, जिसे दिन में ही कहा था कि नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण दूंगा, लेकिन यहाँ से एक पूरे चुनावी सफर की कहानी शुरू होगी और लगातार